प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पानीपत के गांव सिठाना पहुंची। सरकार की योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे, यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है और संकल्प भी है। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर शहर और हर गांव में पहुंच रही है। यात्रा संकल्प के जरिए यह भी पता लगाया जा रहा है कि आप जन को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सरकार का प्रयास है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति बाकी ना रहे जिसे सरकारी योजना का लाभ ना मिला हो। सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। जिन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी की यात्रा है, इसमें हर व्यक्ति को कामयाब होने की गारंटी दी जा रही है। वहीं सरकारी योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं लोगों को काफी फायदा पहुंचा रही हैं। वहीं खुद सरकारी योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भी लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, यह भी काफी लाभप्रद है। आम जनता को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत लोग खुश हैं इस सुविधाएं से। कुछ मिल रहे हैं, कुछ सुविधाएं कट रही हैं, थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि ये सुविधाएं पूरी मिले। किसी के राशन कार्ड कट रहे हैं, उनमें भी मतलब कंप्लेंट किए हैं, कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उनके खाते में कुछ पैसे शो कर रहे हैं, वैसे वो है नहीं, गरीब हैं। तो कृपा करके हम तो ये कह रहे हैं उनके खाते सही किया जाए, जो राशन कार्ड कट रहे हैं कुछ उनके। बिजली बिल की भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ बहुत अच्छा ये भी, क्योंकि पहले बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, अब इस समय में मतलब बहुत 50% अच्छा लग रहा, और इससे भी थोड़ा बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छी सरकार साबित होगी। सरकार का बहुत धन्यवाद, हम तो सरकार के सदा वासी हैं और रहेंगे भी इसके, क्योंकि ईमानदार की सरकार है। दूसरी सरकारें थी वो ऐसे नहीं थी, ये सरकारें जो अपने हक लाल की या ईमानदारी करता, जो पढ़ता कहते हैं ना, वो ही नौकरी पाता है। मतलब इसमें कोई हेरा फेरी नहीं, ईमानदार की सरकार है, परंतु इसमें समय लगेगा थोड़ा सा जागृत होने में। जो भी ये समस्याएं हैं, मतलब जो योजनाएं हैं, योजनाओं को मतलब विकसित होने में कुछ कमियां हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। कलीराम सिठाना गांव से। मैं जी यात्रा इस शहरी से एक ही छत के नीचे सब सुविधाएं मिल रही हैं जी, इसके लिए मैं खट्टर जी का, मनोहरलाल जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक ही छत के नीचे हमको हेल्थ की, कृषि की सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं जी, हमको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए हम दो धन्यवाद करते हैं जी। धन्यवाद जी। रुपेंद्र सिंह। यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही, कुछ सारी समस्याएं हल हो रही, एक ही स्थान पे सब समस्या हल हो जाती है। यहाँ कृषि विभाग, बिजली निगम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और वर्टिकल खेती और क्या कहते हैं IDC और डॉक्टर वगैरह बोल, चिकित्सक, सारी सुविधाएं तकरीबन। आयुष्मान कार्ड नहीं, नहीं नहीं, सरकार बहुत अच्छी सरकार है, ईमानदारी की सरकार है। सतवीर सिंह सर, हमारे विभाग की जो एक तो PMVVY है जो गर्भवती महिलाओं को दी जाती है, जिसके अंतर्गत हमें 5,000 गर्भवती के खाते में आते हैं, और दूसरा अब ये जो है दूसरे बच्चे पे भी मिलने लगे, अगर दूसरा बच्चा लड़की है तो तब भी 5,000 देती है सरकार, जिससे कि बच्चे के और जच्चा के दोनों का जो खाने पीने का अच्छे से सुविधा हो सके। और एक जो है ये सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्याज देती है, ये पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में आप अपनी लड़की के नाम खाता खुलवा सकते हो, जितना पैसा आप डाल सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। और एक आपकी बेटी हमारी बेटी है, जिसमें कि सरकार जो है SC में 3 बेटियों तक ये लाभ दे रही है, और OBC में जो है दूसरी बेटी पे होता है ये शुरू, और SC में पहली बेटी से ही शुरू होता है। इसमें सरकार लड़की के नाम 5,000 रुपये जो है LIC में करवाती है, और बच्ची जब 18 साल की होती है तो उसको उसके अकॉर्डिंग पैसे 1,00,000 प्लस मिल जाते हैं। और जी ये जो संकल्प यात्रा जो आज यहाँ पे पहुँची है सिठाना गांव में, तो इसमें हमें सारे विभागों से जो है
सबके साथ हमें एक दूसरे को जानने का भी उनके उनकी भी जो वो चल रही है हमारी जो समस्या है उनको बता रहे हैं और उनका लाभ भी उठा रहे हैं जो स्कीम में वो चला रहे हैं। मेरा नाम सुमन है जी, सिठाना गांव से। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।